छोटे ऐसे अनार, बड़े ऐसे आम, छोटे ऐसे इमली, वेरी गुड, बड़ी टू माई चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग। तो आप लोग देख ही रहे हो, मम्मी पढ़ा रही हैं दिया को। 11:15 का टाइम हो रहा है। दिया का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, जैसे कि किसी भी बच्चे का नहीं होता, बट फिर भी बच्चों को ना जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है। अच्छी चीज़ें जो है जबरदस्ती ही सिखानी पड़ती है बच्चों को। आज है शिवरात्रि, दिया ने लहंगा पहना है शिवरात्रि की वजह से। आप लोगों को भी शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। और मम्मी ने नाश्ते में आज बनाया था मटर पनीर, सूजी का हलवा और पराठे। पूड़ी नहीं बनाई थी आज, कभी कभी पूड़ी स्किप कर देनी चाहिए, तो आज हमने स्किप कर दी है। और उसके बाद ये जो क्लिप है, ये है शाम के 4 बजे की। हमारी लड़ाई जो है यहीं से स्टार्ट हो गई थी। आप देख सकते हो, मैं मम्मी का पर्स दिखा रही थी कि ये मेरा पर्स है, तो इसने मुझसे छीन लिया और छीन के नानी को दे दिया है। इसको मतलब प्रॉब्लम रहती है हर चीज़ से। मैं नानी के पास ना बैठूँ, नानी की चीज़ ना लूँ, नानी की जो भी चीज़ है वो इसकी है, नानी जो है वो इसकी है, मेरी कुछ भी नहीं लगती है। तो लड़ाई इसकी चालू है, फ़ोन में ज़रूर लगी हुई है, लेकिन इसका दिमाग हमारी बातों में है, हमारी तरफ ही लगा हुआ है। सुने जा रही है। और आप जानती हैं, मैंने कल भी बताया था, मम्मी शाम के टाइम चली जाती हैं अपने घर पे। चाय का टाइम होता है, खाने का टाइम होता है, मम्मी वहाँ पे खाना बनाती हैं, मैं यहाँ पर अपने खाने की तैयारी वगैरह कर लेती हूँ। और इसको ना मतलब ये रहता है मेरे को नानी के साथ ही जाना है, और ये पीछे पड़ जाती है मम्मी के शाम होते ही कि मम्मी, और मम्मी कह रही नानी घर चलो, मैं भी चलूँगी। मम्मी को मतलब मेरे घर से बिल्कुल बाहर ही निकाल देती है ये, एकदम से मम्मी के पीछे ही पड़ जाती है। नहीं, यहाँ पर यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, इसको वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है, इस वाले घर से ज़्यादा ना। और मम्मी इससे कह रही थी मैं तो जा रही हूँ देख, तो इसने देखो मम्मी का पल्लू पकड़ लिया ताकि मम्मी नहीं जा पाए। और ये अभी देखना कैसे लड़ाइयाँ होती हैं। मैं अपनी मम्मी के मतलब सिर गोद में रख के बैठ गई हूँ, तो इसने लात रख ली गोदी में मम्मी की। फिर उसके बाद मैंने इसके पैरों के ऊपर ही सिर रख लिया, तो मुझे लात मारती है, और फिर उसके बाद मेरे बाल भी नोचती है, और मम्मी छुटाती है मेरे को, और मैं इसके पैर पकड़ती हूँ, हाथ पकड़ती हूँ, फिर मैं सिर रखती हूँ, तो फिर ये चिल्लाती है, और इसका चिल्लाना किसी से देखा नहीं जाता। मजबूर कर देती है बिल्कुल ना, कि मतलब हट ही जाओ, इसी के हैं जो भी हैं सब ना इसी। फाइनली ये देखो अपनी नानी को घर से निकलवा के ही रहती है, और उनके साथ बड़े मज़े में जाती है नानी के घर पे। इसको पता नहीं मज़ा ही आता है वहाँ पर, यहाँ पर इसका मन कम लगता है। अगर मैं वहाँ पर चली जाऊँगी तो इसको वहाँ से यहाँ आने की लग जाती है। बच्चे पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता। तो मम्मी अभी चली गई हैं, मैं सब्जी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अभी वहाँ पर जाती हूँ, ठीक है ना। मैं आ गई हूँ किचन में, और कुकर मैंने गैस पे रख के उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया और तेल डाल दिया, तब मैंने ध्यान दिया है कुकर में थोड़ा सा मॉइस्चर था, तो अब पटाखे बजने स्टार्ट हो गए हैं, जो कि शांत हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में ना, लेकिन गलती हो गई आज। तूफान जो है थम चुका है, अभी इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि तेल बहुत गर्म हो चुका है। और गैस को साफ कर देता हूँ हैंड टू हैंड, मेरे से काम नहीं होता गंदे गंदे गैस पे खाना, मेरे से नहीं बनता, मतलब मज़ा नहीं आता, देख के ही अजीब सा लगता है। कुकर भी थोड़ा थोड़ा सा गंदा सा हो रहा था, बट रिस्की है इसको साफ करना। अभी इसमें ऐड कर देते हैं मसाले। सबसे पहले नमक डालूंगी, और उसके बाद लाल मिर्च डालूंगी, और उसके बाद थोड़ी सी लंबी मिर्च डालूंगी, धनिया पाउडर डाल दूंगी, हल्दी बहुत कम डालूंगी, ना के बराबर, बैठ से
टमाटर बहुत सारे हैं तो खटाई नहीं डालेंगे आज। चला देंगे इन सबको और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले लग ना जाए और फिर वो जो धास उड़ती है ना वो अच्छी नहीं लगती है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। सब्जी जिसमें भिगो रखी है वही वाला पानी डाल रही हूँ मैं। और सब्जी ये है कमल ककड़ी की सब्जी बनेगी आज। तो टमाटर को गला लेते हैं फिर उसके बाद जो है इसमें सब्जी ऐड कर देते हैं। ठीक है, टाइम लगेगा तब तक आप ब्रेक ले लो। तो टमाटर जो है मेरे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। इसमें मैं डालूंगी सब्जी हमारी कमल ककड़ी की। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कढ़ाई में भी बना लेते हैं कभी कभी, जल्दी होती है तो इस तरीके से कुकर में भी बना लेते हैं। और इसको ना सीटी लगवाना ज़रूरी है अदरवाइज़ ये कच्ची कच्ची लगती है और लेस छोड़ती है ये वाली सब्जी, लेकिन टेस्ट ही लगती है, अलग ही टेस्ट है सब्जी का ना, मज़ेदार लगती है एकदम। जो जो खाता होगा बनाता होगा उसको पता होगा इस सब्जी की कीमत। तो अच्छे से मिक्स कर दी है मैंने, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूंगी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, मुझे सूखी सूखी अच्छी लग रही वैसे तो ये सब्जी, लेकिन सीटी लगेगी ना तो लग ना जाए कहीं। अब इसको छोटा सा कुकर है मेरा, लुढ़क लुढ़क जाता है, अच्छे से लगा दिया मैंने इसको। और अब दो सीटी आने तक पकाऊंगी इसको। सो जब तक हमारी सब्जी साइड में हो रही है मैंने सोचा कि जो बर्तन रखे हुए हैं ना सिंक में उनको वॉश कर लेती हूँ। वैसे मैं करना नहीं चाहती थी क्योंकि जब दूध बॉईल करना होता है ना मैं उस टाइम बर्तन धोना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि दूध साइड में बॉईल होता रहता है, मैं बर्तन धोती रहती हूँ, मेरा ध्यान भी दूध में भी रहता है। और अगर मैं रख के छोड़ देती हूँ किचन में और कोई काम नहीं कर रही होती किचन में तो फिर मैं अधिकतर भूल ही जाती हूँ, मेरे संग होता है ऐसा कई बार होता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो दूध का पतीला मुझे चाहिए था, वो भी गंदा पड़ा था, दूध बॉईल करना था तो पहले दूध का पतीला धोया, फिर मैंने कहा ये वाले नीचे वाले बर्तन भी धो ही देती हूँ। और सब्जी मेरी जो है 200 डिग्री ले चुकी है और मैंने गैस भी बंद कर दी है। अभी प्रेशर जैसे ही आउट होता है मैं खोल के देखूंगी और पीछे से आपको बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी उसको इग्नोर कीजिएगा। शाम का टाइम है, सब लोग अपने घरों के बाहर होंगे, टहल रहे होंगे, घूम रहे होंगे, बच्चे भी खेल रहे हैं, चहल पहल रहती है शाम के टाइम। तो मैं दूध बॉईल रखने के बाद आ गई हूँ अंदर बेड वगैरह सही करने के लिए। दिया ने बहुत ज़्यादा फैला रखा है अपनी चेयर, टेबल, बैग और छोटी छोटी एसेसरीज़ वगैरह जो उसकी डॉल हाउस की होती है ना, रिंग हो गई डॉल की, उसके ब्रेसलेट हो गया, पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है, बॉटल वगैरह पानी की, कोल्ड ड्रिंक की, उसको पीने का कुछ भी शौक़ नहीं है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, लेकिन फ्रिज में से निकाल निकाल के पता नहीं क्यों ला ला के कमरे में रखती रहती है। और बैड कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब लोगों को बहुत अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू सो मच। और काफ़ी सारे लोग इसकी कीमत पूछ रहे थे, तो ये जो बैड है मैंने बुढ़ाना गेट से 8,500 का लिया है। इसमें जो ये पीछे बैक का डिज़ाइन है ना इसमें बहुत सारे कलर्स ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, और अगर आप बॉक्स वाला भी लेना चाहते हैं तो वो इससे थोड़ा सा सस्ता भी आपको मिल जाएगा क्योंकि वो थोड़ा ओल्ड डिज़ाइन है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अंदर का काम निपटा के फिर से किचन में आ गई हूँ और ऊपर चढ़ के बैठी हुई हूँ, दूध की निगरानी कर रही हूँ दूध कब बाहर निकल जाए। मेरे पास कुछ काम नहीं है इस टाइम, किचन में सब्जी रेडी हो चुकी है, आटा गूंदा वो फ्रिज में रखा है, जब दिया आएगी या जब खाएंगे तब बना लेंगे। तो फ़ोन चला रही हूँ बैठ के दिया मैडम का, और दूध मेरा देखो होने ही वाला है, हो ही चुका है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, छन्नी से ढाक दूंगी ताकि ये मक्खी मच्छर जो भी है इसमें गलती से भी भूले से भी ना गिर जाए। सो किचन के काम निपटाने के बाद, रूम के काम निपटाने के बाद मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। अच्छे से हाथ पैर मैंने धुल लिए हैं, फेस वॉश कर लिया है और सिर पर दुपट्टा भी ले लिया है जैसे कि सब लोगों को पूजा करते टाइम लेना ही लेना चाहिए। और आज मैं मंदिर का जो दिया है वो चेंज कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से जो है ये इस्तेमाल हो रहा है जो रखा हुआ है मंदिर में, तो दूसरा वाला यूज़ करते हैं ना, तो मैं कलावे का इस्तेमाल करती हूँ जोत जलाने के लिए। काफ़ी सारे लोग रुई वाली जो बत्ती रेडीमेड आती है ना वो इस्तेमाल करते हैं, बट मैं कलावे वाली ज़्यादा पसंद करती हूँ, ज़्यादा से लपेट देती हूँ उसमें और उसको ऊपर बढ़ाती रहती हूँ। और ये तरीका जो है मेरे ससुराल का ही है, काफ़ी सारे लोगों के यहाँ भी होता होगा ये, मेरे मायके में जो है जोत बत्ती के लिए रुई वाली बत्ती का इस्तेमाल होता है, बट यहाँ पर मैंने यही सब देखा तो ये सब सीख लिया। पहले जो थी हमारी
क्या कहते हैं दिया था पीतल वाला, वो काफ़ी बड़ा था जब मेरी मदर ने लिया थी, वो दोपहर तक जलता रहता था अगर सुबह जलाओ तो। बट ये मैंने बहुत छोटे छोटे से ला के रख लिए हैं, बहुत छोटे छोटे से, 30-30 रुपीज़ के लेकर आई थी मैं। तो इनको चेंज करती रहती हूँ मैं टाइम टू टाइम, हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में मैं चेंज कर देती हूँ। आप लोगों को भी करते रहना चाहिए चेंज। और आज शिवरात्रि है, पूजा शाम के टाइम मेरी थोड़ी जल्दी जल्दी हो गई, सुबह थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि पता ही आपको कि आज के दिन तो टाइम लगना ही लगना होता है। और मैं आरती वगैरह सब भगवान जी को कर रही हूँ, साइडों में भी रखे हुए मैंने कुछ भगवान जी ना जो पुराने हैं, मैंने मतलब कहीं रखे नहीं मंदिर वगैरह में, मैंने रखे हुए हैं। और चलते हैं अब दिया के पास, दिया को लेने के लिए, मम्मी को लेने के लिए। तो मैं हो चुकी हूँ फ्री, बस मैं घर के लिए निकलने ही वाली हूँ। देखते हैं आज दिया वहाँ पे क्या शैतानी करते हुए मिलती है मेरे को। जब भी मैं जाती हूँ पूरे घर में खिलौने फैले होते हैं, यहाँ पर भी वहाँ पर भी यही काम है। जब नानू थे ना, इसके नानू एक एक खिलौना इसका बटोरते रहते थे। अगर आप मेरी पहले की पुरानी वीडियोस देखोगे ना तो उसमें दिया के नानू भी दिखेंगे आपको। और दिया दिखेगी गंजी थी, एकदम गंजी। और इसके पापा की एक वॉइस है एक वीडियो में जिसमें दियू डांस कर रही है, मैं भी डांस कर रही हूँ, और हम दोनों खूब शोर मचा रहे हैं। छोटी सी थी, पता नहीं कौन सा गाना था वो, अरे यार गाना का नाम याद नहीं आ रहा, राम लखन मूवी का था आई थिंक। सो तो देखिएगा पुरानी वीडियोस। और ये मेरा सूट का दुपट्टा ये वाला सूट मैंने परसों पहना हुआ था जब बेड लेने गए थे। काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन करा था कहाँ से लिया, कितने का लिया, तो ये मैंने मीशो से लिया था, ऑनलाइन ही परचेज किया था। और ये शायद 700-800 रुपये का था उस टाइम पर, लेकिन अब ये बहुत सस्ता हो गया। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अमेज़ॉन पे भी है ये, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं काफ़ी बार इसको पहन चुकी हूँ और ये पुराना भी हो चुका है। इसका ये जो प्रिंट है ये बिल्कुल भी नहीं हटा है मेरे को, आपने कई सारी वीडियोज़ में इसको पहने हुए देखा होगा। देखा है या नहीं देखा बताना मुझे कमेंट करके। और चलते हैं घर पे, चलते हैं ना। और मम्मी को लेके काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मम्मी भी आपकी कब तक आपका साथ देंगी। तो देखो आप देखो शैंकी आके, शायद दिया का मन नहीं लग रहा होगा। हाँ खोल रही हूँ मन नहीं लगा, मैं तो आई रही थी, लग रहा था तो बिट्टू आ गई हो। हमने ऐसी चलाया है, क्यों आ गए तुम जल्दी से नानी के घर से? क्योंकि इसको आखिर याद आ रही थी, मेरी याद आ रही थी। क्या कर रहे थे वहाँ पे आप अकेले? वीडियो बना रहे थे नानी के साथ। अरे वाह, कौन सी वीडियो बताए? कौन सी? नानी ने पूछा कि आप सुबह उठते हो तो खाने में क्या मिलता है? गलत हो गया। बताओ ना क्या मिलता है सुबह जब लेट उठते हो तो खाने में? ओके पता है मैंने कैसी वीडियो बनाई थी? नानी ने पूछा तो आप लेट उठते हो तो आपको खाने में क्या मिलता है? चप्पल। अच्छा इंस्टाग्राम पे बना रहे थे तुम? देखूंगी नानी ने डाली होगी फिर, है ना। और कौन सी बनाई? और ना कोई सी भी नहीं बस एक ही बनाई, और नानी बना रही थी अपनी। अच्छा एक काम करो, सब लोगों को बोल दो बाय बाय। बाय बाय बोलो। अपना ध्यान रखना। फैमिली का ध्यान रखना। इसमें देखो तो बच्चों का ध्यान रखना। और खुश रहना। क्या तो I love you सबको। और मम्मी को I love you। अच्छा एक बात तो बताओ, जब यहाँ से गए थे तो चोटी बंधी हुई थी, और ये बाल कैसे खुल गए? तब मैं जा रहा था ना नानी के घर तो फिर लबड़ नीचे गिर गई। लबड़ ना नीचे गिर गई सड़क पे। बेटे पागल मत बनाओ मम्मी का। देखिए हमने वीडियो, हाँ नहीं गिरी चोटी खोली थी ना। गलत बात है ना, बाल फिर बड़े कैसे होंगे? बाय कर दो, चलो फाइनली बाय बाय सबको।